आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संभल के ब्लॉक संभल के गांव बटोवा पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 52 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 28 किलोमीटर है। 1900 वोट और 6000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान महेंद्र पाल ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ये गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान महेंद्र पाल और सचिव अरुण यादव के द्वारा स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। लॉकडाउन के चलते भी ग्राम प्रधान द्वारा ग्रामवासियों को काफी सहयोग किया गया है। इन्होंने गांव को किस तरह से सजाया है और क्या समस्याएं भी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक संभल के बटोवा ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं या लॉकडाउन के चलते यहाँ कैसे गांववासियों की मदद की गई है और आगे के लिए क्या कोशिशें इनकी जारी हैं, क्या तैयारियां हैं, इस सब की जानकारी हम यहाँ प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं ग्राम प्रधान से। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि आपका कार्यकाल लगभग लगभग पूरा होने को है, इस बीते कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य गाँव में करवा दिए हैं आप? हमारे गाँव में सभी में पूरे गाँव है, पूरे रास्ते पक्के हैं, बस दो चार रास्ते बचे पाए हैं जो इस काम में हो जाए, जो बचा हुआ समय है इसमें बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल पूरा पूरा गांव ओके हो जाएगा। हमारे गांव में कहीं भी ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ कहीं पानी भरा की समस्या हो या जहां हमारे चैनल लगने थे रास्तों में, सभी में चैनल लगे हुए हैं। आवास मिले हैं, 5 आवास मिले हैं, 1 बी सी का है और 4 एस सी के, 2011 की सर्वे के अनुसार। जैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या सम्मान निधि का पैसा जो किसानों के खाते में आ रहा है, तो आपके गांव में क्या सभी लोग इसका लाभ लेना मिल पाता है सभी को? उज्ज्वला कनेक्शन लोगों के हो चुके हैं सभी को, लगभग 4% भी लोग बचे हुए नहीं हो पाए जिनके कागज गलत हैं या कोई आधार वगैरह लगता है। अच्छा, सम्मान निधि के पैसे 10-15 लोग रहे हैं, बाकी मेरे गांव में बाकी सब हो चुके हैं, लगभग हो चुके हैं। वो भी उनकी समस्या है कि उनके आधार गलत है, कहीं खाते कहीं ना कहीं कागजों में कुछ ना कुछ कमी रह गई है। और हमारे गांव में जो भी किसी तरह की योजना आती है उसका पूरा पूरा गांव वालों को लाभ मिलता है। जी, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाई है? सोलर लाइट लगी है हमारे गाँव में 23, 7 सांसद निधि से लगी है, सब पेंशन वगैरह मिल रही है, पेंशन मिल रही है, जिनकी पुरानी पेंशन होते ही वो हमने सत्यापन के लिए दिया, उनकी पेंशन अब आ गई। आयुष्मान कार्ड बने हैं यहाँ? आयुष्मान कार्ड बने, उनका लाभ मिल रहा है, मतलब सुविधा मिल पा रही है? हमारे गांव में तो लोग जा पाए हैं ऐसी सुविधा के लिए, उन्हें मिली है, मिली है। बहरहाल गांव में कोई ऐसी बीमारी या कोई किस तरह ज़्यादा बनी बीमारी होती है, वो सुविधा का लाभ मिलता है। स्कूल में कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या काम कर रहा है? स्कूल में सीसी टाइल लगी है पूरे स्कूल में, कहीं भी कोई एक भी आगे पीछे साइड में सब में पूरे में सीसी टाइल है और उसमें टाइल्स भी लगवाई गई है कमरों में, काफ़ी सौंदर्यीकरण कर रहा है, बिल्कुल एकदम बढ़िया। वहाँ जो भी समस्या रही हो जैसे पानी की या पानी के लिए हैंडपम्प अलग है, हैंडपम्प अलग है, सबमर्सिबल अलग है और शौचालय बढ़िया बने हुए हैं, बनना है, लगाई पुताई बिजली पंखा सब कुछ है। आपको कैसा मतलब क्या महसूस होता है कि पिछले जो पहले का समय रहा है जब तक कि ये कार्यक्रम नहीं था, इसमें स्कूलों में इतना ज़्यादा काम भी नहीं हुआ था या इतनी सुविधाएं भी नहीं मुहैया थी, इस समय जो स्कूल है प्राइमरी स्कूल है या जूनियर है उसमें काफ़ी सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं, सौंदर्यकरण भी कराया है, तो आप क्या महसूस करते हैं तब में और अब में क्या फ़र्क लगता है? बहुत बड़ा अंतर है, जैसे जब से पहले कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था, हमारा स्कूल था सब में रेत था, रेत पड़ता था, समर समिति की सुविधा नहीं थी, तो इसमें बच्चों की संख्या में भी बदलाव आया पढ़ाई बदलाव आया बहुत ज़्यादा और पढ़ाई में भी बदलाव आया है क्योंकि मास्टर की समस्या आ रहे हैं और बच्चे भी समय से पहुँच रहे हैं। मिड डे मील वगैरह सब मिलता है? मिड डे मील मिलता है बिल्कुल, आप समय देते हैं स्कूल में? बिल्कुल टाइम देते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि स्कूल के अलावा सरकारी बिल्डिंग में बारात घर, पंचायत भवन ये बने हुए हैं गाँव में? बारात स्कूल में तो अलग है, बारात घर हमारा पंचायत का जो घर है उसी में बारात होती है, बारात घर हमारे गांव में नहीं है। आंगनवाड़ी केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र बन चुका है, लेंटर वेंटर पड़ गया उसका, अस्पताल है हमारे यहाँ लेकिन जी स्वास्थ्य केंद्र लेकिन वो जो उसमें कोई डॉक्टर वगैरह नहीं बैठते, डॉक्टर नहीं बैठते मतलब केवल नाम मात्र बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग है।
तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए कभी कोई शिकायत या कोशिश नहीं होनी चाहिए कि स्वास्थ्य केंद्र जब बना हुआ है तो यहाँ पर सुविधा भी मिले लोगों को, इसका फ़ायदा भी कुछ उठा पाए? हमने कई बार करके भी दिया है कि हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है, अधिकारी से भी काम मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसमें कोई डॉक्टर आपको बैठ सके समाज गाँव वालों को सुनता है। कब से कितने टाइम हो गया लगभग यहाँ ये स्वास्थ्य केंद्र में? 7-8 वर्ष हो गया लगभग। जब से ऐसे ही है? जब से ऐसी का ऐसा यहाँ से रहा था उस वक्त में ना किसी के पास काम था ना कोई खाने पीने का कोई सहारा था, तो उस समय में आपके गांव में कुछ परिवार भी ऐसे होंगे जिनके सामने इस तरह की परेशानी आई होंगी, उनके लिए आपकी क्या भूमिका रही यहाँ पर? हमने उनके लिए अपनी तरफ से भी जो गल्ला या दुकान के द्वारा मिर्च मसाले वगैरह दिलवाए हैं, अच्छा हमारे गाँव में दो ही परिवार ऐसे ज़्यादा नाजुक हैं जी, तो उनके लिए हम खुद स्वयं घर जा कर के पैसे दे करके ना आलू सब्जी मतलब राशन भी और आर्थिक मदद भी दोनों आपकी तरफ से मिली होंगी? बिल्कुल, दो ही परिवार ऐसे हमारे गांव में जी, इस लायक। बाकी जो सरकारी गल्ला लोगों को मिला है सबको मिला। अब अपने गांव को और सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग रखना चाहेंगे सरकार से? हमारे यहाँ 2-3 चीज़ों की बहुत सख्त होते हैं, बिजली वाली बहुत सख्त होती है, क्योंकि टांडा यहाँ से कम से कम 12 किलोमीटर हो गया और बिजली हमारे गाँव में पूरी नहीं आ पाती है, पुरानी जर्जर लाइन है जी, तो अगर ये अच्छा हो जाए तो हम मिले भी हैं, अच्छे हिसाब से मिले कई बार, इस हिसाब से मिले हैं, लेकिन वही कह देते हैं बोले चलो कराते हैं, इसका हमारा जो एस्टिमेटी बन गया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे बड़ी और हमारे यहाँ कोई कॉलेज बन जाए, डिग्री कॉलेज हो जाए, जैसे हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल है, जूनियर हो जाए, जूनियर भी नहीं है, जूनियर भी नहीं है, तो इसकी जो अगर कितनी जनसंख्या आपके गाँव में? 1481 बोले हमारे यहाँ, तो यहाँ से जूनियर कॉलेज या इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज ये कितनी दूरी पर यहाँ बच्चों को यहाँ से जाना पड़ता था? 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर है, इंटर कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज भी है। और कोई समस्या ऐसी गांव में मतलब आपको लगती है जैसे चाहेंगे कि सरकार की तरफ से अगर मदद मिले या दे तो उससे आप गाँव का विकास, कोई ऐसी समस्या जिसको रोक करके मतलब गाँव के विकास में आगे बढ़ा जाए? हमारे गाँव में ज़्यादातर समस्या एक पानी की है, बस पीने का पानी, पीने का पानी भी अब हमने नलों के लिए भी देखा है रिव्यू के लिए, लेकिन पूरे गांव का पानी दूषित है, कहाँ तक नल देखे जी, ये सबसे बड़ी समस्या इसके लिए ओवरहैंड टैंक के लिए आप चाहेंगे? हाँ, कुछ ना कुछ बन सके, हमारे यहाँ टैंक बने जी, टंकी लगे, कुछ ना कुछ हुए, इसके लिए आप चाहेंगे। यहाँ पर कितने परिवार अभी ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की जरूरत है? हमारे यहाँ 78 परिवार ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है। अपने ग्रामवासियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हमारे ग्रामवासी तो ज़्यादातर जो मजदूर लोग हैं उन्होंने मनरेगा से काम लिया है और उनके कार्ड भी बनवाए हैं, श्रमिक कार्ड भी हमने हमारे गांव में 70% है जो भी बनवाए। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहां बातचीत की है, काफ़ी विकास इस बीते कार्यकाल में यहां पर करवाया जा चुका है, अब तक के समय में लगभग सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाले निर्माण, आवास भी कुछ लोगों को मिले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ 78 परिवार आज भी अभी ऐसे मौजूद हैं जिन्हें आवासों की ज़रूरत है। लगभग यहाँ पर जो है विकास काफ़ी हद तक है, पर सबसे बड़ी समस्याएं जो यहाँ देखने को मिली हैं जिसमें बहुत ही प्रमुख समस्या है पीने के पानी को लेकर, जो कि पूरे गाँव का पूरी तरह से दूषित हो चुका है और इसके लिए ओवरहैंड टैंक की मांग की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई, कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई, जबकि ये सबसे बड़ी ज़रूरत इंसान की आगे बन जाती है पीने के पानी को लेकर। और इसके साथ ही दूसरी समस्या हेल्थ स्ट्रक्चर, स्वास्थ्य विभाग, जो कि यहाँ 7-8 साल से स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है केवल नाम मात्र, अभी तक ना उसमें कोई डॉक्टर है ना ही दवाइयाँ हैं, लोगों को किसी भी तरह की कोई सुविधा यहाँ मिल नहीं पाती है, जिससे काफ़ी दूर जाना पड़ता है अस्पताल के लिए और खासी परेशानी का यहाँ लोगों को सामना करना पड़ सकता है। के साथ जी, क्या नाम है आपका सर? संतोष कुमार, प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक हो, किस विद्यालय में हो? प्राथमिक विद्यालय बटुआ। बटुआ, यहाँ पे 4.5 वर्ष हो गए हैं ग्राम प्रधान जी कार्यकाल को। जी जी, तो यहाँ स्कूल में क्या क्या विकास कराया ग्राम प्रधान द्वारा? हमारे यहाँ तो बिल्कुल बेकार था स्कूल जी, बाउंड्री भी टूटी हुई थी, मतलब आवारा पशु वगैरह आते रहते थे। जब से प्रधान जी बने हैं टाइल का निर्माण, बाउंड्री वॉल का निर्माण और नल का रिवोर भी कराया है और लैट्रिन का जो टैंक वगैरह है सब कुछ इन्होंने कराया प्रधान जी ने, बाकी पुराना कुछ भी काम नहीं था, सब इन्होंने कराया प्रधान जी ने। अच्छा विकास कराया? अच्छा विकास कराया, बहुत बढ़िया। समय देते हैं विद्यालय के लिए जब जरूरत? समय हर मीटिंग में आते हैं और तीसरे दूसरे दिन आते रहते हैं। अच्छा,
आप इनके कार्यों से सहमत हो? मैं तो सहमत हूँ, सबसे अच्छा कार्य है और वैसे भी सेवा करते रहते हैं कोई। धन्यवाद।